Hi, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करते हैं कि केतु जब कुंडली के 10th हाउस में आता है तो क्या फल होता है। 10th हाउस का संबंध हमारे फेम से है, हमारे वर्क एनवायरनमेंट से है, हमारी ड्यूटी से है, अथॉरिटेटिव पोजिशन से है, पावर से है, स्टेटस से है, लॉ एंड ऑर्डर से है, रूल्स एंड रेगुलेशन से है, एंड बॉसेस एंड सीनियर्स से है। केतु का संबंध अटैचमेंट से है, सेपरेशन से है, पार्टीशन से है, डाइवोर्स से है, आइसोलेशन से है, स्पिरिचुअलिटी से है, और केतु बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत ही एपेथेटिक है। केतु जब कुंडली के 10th हाउस में आता है तो आपको आपके वर्क से, आपकी ड्यूटी से, आपके स्टेटस से केतु यहाँ आपको डिटैच करता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस की आप ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे, बॉसेस और सीनियर्स की बातों की ज़्यादा आप वैल्यू नहीं करेंगे, आप अपनी पावर को बिल्ड नहीं करना चाहेंगे, आप अपने फेम को बनाना चाहेंगे, आप अपने काम और अपनी ड्यूटी से डिटैच हो जाएंगे, आप अपने काम धंधे से बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाएंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपने काम के थ्रू अपनी पोजीशन को बिल्ड करूं, आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपने काम के थ्रू अपने स्टेटस को बनाऊं। बिकॉज ये डिटैचमेंट इसलिए रहेगी कि पास्ट लाइफ में आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुके हो, तो इस लाइफ में आपका जो इंटरेस्ट है वो 10th हाउस की चीज़ों से बहुत ही कम हो जाता है। तो हो सकता है आप अपनी जॉब को, अपने काम को, अपने अथॉरिटी पोजिशन को, अपने स्टेटस को छोड़ दें, हो सकता है आप काम धंधे से रिजाइन दे दें। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो और किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो हो सकता है आप काम वाम छोड़ के आ जाए। दूसरा, अगर केतु 10th हाउस में है तो कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस इंसान फॉलो नहीं करता। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसीज हैं, इंसान उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। तो कई बार 10th हाउस में अगर केतु है तो बॉसेस के थ्रू, अपने सीनियर्स के थ्रू आपको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, जिसके कारण आप अपने काम धंधे से, आप अपनी पोजीशन से डिटैचमेंट फील करते हो और आप अपने काम को छोड़ सकते हो। फिर केतु देखता है यहाँ से सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस का संबंध आपकी फैमिली से है, आपकी वेल्थ से है, वैल्यू से है, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का संबंध आपकी सेविंग से है और आपकी स्पीच से है। तो केतु जब सेकंड हाउस को देखता है तो आप सेकंड हाउस की चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करेंगे। आप अपनी फैमिली से घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे, फैमिली वाले ज़्यादा आपकी परवाह नहीं करेंगे और आप भी फैमिली वालों की परवाह नहीं करोगे। सेविंग की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान नहीं होगा और जो भी आपके अर्ली चाइल्डहुड के जितने भी आपके फ्रेंड रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएंगे और आप उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करोगे और वो लोग भी आपसे ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा, आपका ध्यान अपनी वैल्यू की तरफ बिल्कुल भी नहीं होगा, आप चीज़ों को सेव करना पसंद नहीं करोगे और जो भी आप कुछ बोलोगे, क्योंकि सेकंड हाउस से संबंध है स्पीच से, और जो भी आप बोलते हो तो आपको इस चीज़ की भी परवाह नहीं रहेगी कि आप क्या बोलते हो और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सेकंड हाउस में अगर केतु देखता है तो फैमिली वैल्यू और स्पीच से आपको डिटैच कर देता है। आप ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे, आप ज़्यादा अपनी फैमिली से मिलना पसंद नहीं करेंगे, आप ज़्यादा अपनी फैमिली की वैल्यू को बिल्ड करना पसंद नहीं करेंगे। फिर केतु यहाँ से देखता है 10th हाउस को। 10th हाउस का संबंध होता है होम से, मदर से, हैप्पीनेस से, कंफर्ट से, और जो भी आपके होमलैंड के लोग हैं और जो भी आपकी जमीन जायदाद है उसका संबंध 10th हाउस से है। केतु अगर 10th हाउस में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 4th हाउस में राहु बैठा होगा, तो यहाँ केतु का एस्पेक्ट ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु जहाँ बैठता है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, राहु चीज़ को पाना चाहता है जहाँ पर राहु बैठा होता है। राहु एक प्रकार की डिज़ायर है, हमारी जो अंदर की इच्छा होती है वो राहु, राहु का कंट्रोल हमारे माइंड के ऊपर होता है, क्योंकि राहु जीवन को, लाइफ को जीने के लिए आया है। राहु अपने आप को प्रिविलेज देता है जहाँ पर राहु बैठा होता है उस घर के थ्रू। तो राहु अगर 4th हाउस में बैठा है तो राहु यहाँ पर कम्फर्ट्स को पाना चाहेगा, राहु यहाँ पर काफ़ी लैंड्स को पाना चाहेगा, काफ़ी जमीन जायदाद को पाना चाहेगा, राहु यहाँ पर अपने अच्छे घर को बिल्ड करना चाहेगा, राहु यहाँ पर अपनी फैसिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा राहु का, और राहु चाहेगा
कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं सबसे खास बन जाऊँ। और राहुल यहाँ अपनी पोजीशन को, अपनी अपनी पावर को बिल्ड करना चाहेगा अपने होमलैंड और अपने कल्चर के थ्रू। फिर केतु देखता है यहाँ से सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस का संबंध एनिमीज से है, डेब्ट से है, डिजीज से है, क्राइम से है, पॉल्यूशन से है, सर्वेंट से है, ब्राइबरी से है, डाइवोर्स से है, और जो डेली का आपका जो काम होता है उसका संबंध भी सिक्स्थ हाउस से है। तो केतु जब सिक्स्थ हाउस को देखता है तो डेली के काम धंधे से, डेली की फाइटिंग से, डेली कंपटीशन से केतु यहाँ आपको डिटेच कर देता है। आप कर्जे से दूर रहना चाहेंगे, आप अपनी एनिमी से दूर रहना चाहेंगे, आप लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहेंगे। आपकी कोई भी डिजीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है जिसके कारण आपको तकलीफ हो, आप उन चीजों की परवाह नहीं करेंगे। डेली के काम धंधे में आपका ज्यादा ध्यान नहीं होगा। और सिक्स्थ हाउस का संबंध आपके एडिक्शन से भी है, तो हो सकता है कि एडिक्शन की तरफ भी आपका ध्यान न रहे, क्योंकि एक तो सेकंड हाउस यानी जो आप खाते हो, जो आपकी ईटिंग हैबिट है वो सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस दोनों जगह अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ता है तो हो सकता है आप ऐसी चीजें ना खाएं जिनसे एडिक्शन है। आप खाने पीने से दूर रहना पसंद करेंगे, आप ज्यादा खाने पीना पसंद नहीं करेंगे, तो एडिक्शन वाली चीज उसको ज्यादा आप खाना पसंद नहीं करेंगे। तो केतु का एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस में अच्छा माना जाता है। सिक्स्थ हाउस में केतु बैठा हो या सिक्स्थ हाउस को देखता हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों आज हमने बात की कि केतु कुंडली के 10th हाउस में क्या फल देता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका केतु आपके हॉरोस्कोप में क्या फल देता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने केतु को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।